सोलन के दून विधानसभा क्षेत्र की दाड़वा पंचायत के बनलगी में 12 सितंबर को होने वाले जनमंच को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह हरकत में आ गया है और जनमंच को सफल बनाने के प्रयासों में जुट गया है। इसी कड़ी में धर्मपुर विकास खंड की दाड़वा पंचायत में उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी की अध्यक्षता में जनमंच की तैयारी के संबंध में विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला के सभी विभाग के अधिकारी सहित दून विधानसभा क्षेत्र की 11 पंचायतों के प्रधान सचिव मौजूद रहे। बैठक से पूर्व उपायुक्त सोलन द्वारा जनमंच के प्रचार प्रसार के लिए जनमंच प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बैठक में सभी अधिकारियों से समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिए कि पेयजल, सिंचाई, विद्युत आपूर्ति तथा संपर्क मार्गों के संबंध में अनेक समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका निपटारा स्थानीय स्तर पर आसानी से किया जा सकता है, इसीलिए ऐसी समस्या के लिए समाधान का पूर्व जनमंच कार्यक्रमों में प्रयास किया जाए। बैठक के बीच में युवक मंडल द्वारा उपायुक्त सोलन, उपमंडलाधिकारी कसौली, जिला परिषद अध्यक्ष सहित बीडीसी अध्यक्ष को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कृतिका कुल्हारी ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निर्देश दिए कि जनमंच स्थल पर कोविड-19 परीक्षण तथा टीकाकरण का समुचित प्रबंध किया जाए, साथ ही 11 पंचायतों में 10 सितंबर तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाए जाने के निर्देश भी दिए। राज्य सरकार ने फिर से जनमंच का आयोजन किया है, तो इस बार दून कॉन्स्टिट्यूएंसी में होना था सोलन जिले में, तो उसके लिए बनलगी पंचायत और इसके आसपास के जो 10-11 पंचायतें हैं उनका चयन किया गया है और उससे रिलेटेड ही आज की मीटिंग थी। सभी डिपार्टमेंट के लोगों को यहाँ बुलाया गया था इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कि वो अपने स्टॉल्स की अरेंजमेंट देखे जो उस दिन उन्होंने लगानी है और किस तरीके से उन्होंने प्री जनमंच की अपनी एक्टिविटीज करनी है और लोगों से शिकायतें प्राप्त करनी है और कैसे उनका समाधान करना है और कहाँ कहाँ उन्हें अपलोड करना है। इसके बाद हमने पंचायत और पंचायत प्रधानों और पंचायत सेक्रेटरी और जीआरएस के साथ भी हमने एक मीटिंग की है ताकि उन्हें भी थोड़ा इसके बारे में अवगत करा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इस जनमंच का पार्ट बन सके। और इसके लिए हमने एक आज गाड़ी का भी यहाँ से फ्लैग ऑफ किया है जो हर पंचायत में जाके इसके बारे में जानकारी देगी लोगों को कि जनमंच का आयोजन हो रहा है, कितने बजे और कहाँ हो रहा है और लोग कैसे वहाँ से सुविधाएं प्राप्त कर सकते। कोशिश करेंगे कि सब लोग को उस टाइम हम इन्फोर्स कराने की कोशिश करेंगे कि मास्क लगाए रखें, अपना मास्क ना उतारें एक्सेप्ट जब वो कुछ खान पान कर रहे हैं, उसके अलावा जब भी वो किसी और इंसान के प्रॉक्सिमिटी में है तो अपना मास्क लगाए रखें। साथ में वहाँ सैनिटाइजर वगैरह की भी व्यवस्था कराएंगे और हैंड वॉश वगैरह के लिए भी सुविधाएं रखी जाएंगी। परंतु आपके माध्यम से मैं लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो भी लोग यहाँ आते हैं और अदरवाइज भी किसी भी फंक्शन या ऑफिस में जाते हैं तो प्लीज कोविड अप्रोप्रिएट जितने भी बिहेवियर सारे फॉलो करें, अपना मास्क लगाए रखें और लोगों से दूरी बनाए रखें। एंस्टा न्यूज़ के लिए सोलन से दयाराम कश्यप की रिपोर्ट।